गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आईलाइनर ट्यूटोरियल कि आप अच्छी तरह से कैसे आईलाइनर अपने लगा लेंगे और फैलेगा भी नहीं। ये स्पेशली बिगनर के लिए है जिसे बिल्कुल भी आईलाइनर लगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो तरह के आईलाइनर ले लिए हैं, एक पेन आईलाइनर और दूसरा लिक्विड आईलाइनर। आप कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले पेन आईलाइनर लगा के बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, जिससे बिल्कुल भी लाइनर लगाना नहीं आता उसके लिए बहुत ही इजी रहेगा, बेस्ट रहेगा कि आप पेन आईलाइनर ले लें। इसके लिए जो उंगलियों को, फिंगर को अपने जो नीचे आइस के हड्डी होती है वहाँ पे रख लेंगे और फिर आसानी से पेन आईलाइनर के से लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे मैंने थोड़ा चौड़ा लुक दिया है, आप चाहे तो पतला चौड़ा जैसा आपका मन करे वैसा लगाएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले आँख पे अब लगा लिया है, दूसरे पे मैंने लिक्विड लाइनर लगाया है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो कट हो गया बीच में, मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये भी सेम उसी प्रोसेस से लगा है। तो दोनों आंखों पर लाइनर लगा चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौड़ा फॉर्म में काजल कैसे लगाएं। यहाँ पर मैंने काजल ले लिया है और उसको फिर थोड़ा सा दबा के अच्छे से लगाएं ताकि थोड़ा सा है ज़्यादा लगे और चौड़ा लगे। स्पेशली चौड़ा काजल लगाने से क्या होता है कि हमारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी सी, अच्छी प्यारी सी लगती है इसके। और नीचे से हम एक ब्रश या फिर ईयरबड की मदद से स्मच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रश लेके काजल को अच्छी तरह से स्मच कर लिया है कि ताकि गर्मियों के सीजन में ये फैले ना, पार्टी वगैरह में जाने के लिए बेस्ट। बेस्ट है ये काजल, अच्छी तरह से हमें स्मच कर लेंगे। फिर मैंने अपनी दूसरी आंखों में भी काजल लगा के उसी तरह से उसको स्मच कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा काजल लुक रेडी है। ये हमारा पहला लुक है। अगर थोड़ा सा आप और भी ज़्यादा अपने आप को अलग सा लुक देना चाहते हैं तो फिर हम फिर से आईलाइनर लगा के और जो काजल के नीचे वाला कोन, हमारी आंखों के जो कोने होते हैं उससे फिर से लाइनर लेके एक और अलग से लाइन दे देंगे। ये हमारे कुछ हटके आइस लुक रेडी हो गया। तो देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहा है कि नहीं। बाय, फिर मिलते हैं।